गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर करेंगे, यानी हिंदी व्याकरण वाक्य विचार। तो वाक्य विचार क्या है, चलिए फटाफट पढ़ते हैं इसको। वाक्य एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है, यानी कि पूर्णता से पूरी बात समझ में आना वो वाक्य समूह कहलाता है। जैसे राजेश सुंदर बालक है, भारत एक विशाल देश है। वाक्य के भाग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए और कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है घोड़े के विषय में कहा गया तेज दौड़ने का कार्य करता है, इसलिए घोड़ा उद्देश्य, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने हैं, बाकी आगे देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ करके हुए दिखाए हुए हैं, वाक्य दिया है गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है, गाय हो गया उद्देश्य, और सफ़ेद गाय और हरी घास खाती है विधेय, ठीक है। और वाक्य के भेद रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये साधारण वाक्य होता है जैसे गीता चंडीगढ़ पहुंची, जो काम हो चुका, वर्षा अचानक होने लगी, लाइक दिस। और मिश्रित वाक्य वो होते हैं, इन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। श्याम ने कहा या कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पे इस वाक्य में कहा और कहा और जाऊंगा दो क्रियाएं, श्याम ने कहा और मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो दो उपवाक्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कल दिल्ली जाऊंगा प्रधान उपवाक्य है, श्याम ने कहा आश्रित उपवाक्य है। उसके बाद ये आपके संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो कह सकते दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैं हरिद्वार गया, गंगा में स्नान किया और शाम को घर वापस लौट आया, ओके। ये सरल और मिश्रित वाक्य दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको ये करनी है, ठीक है। यहाँ पे वाक्य भेद जो दृष्टि के आधार पर छह प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। इन सबका आपको यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा पता लग जाएगा। सरल वाक्य सिंपल है, सुदामा स्कूल जाता है, इस तरह से। निषेधात्मक, आज वर्षा नहीं होगी, जहाँ पे संदेह है, निषेधात्मक है, तो ये आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और नहीं ज़रूर लगा हुआ, क्योंकि निषेधात्मक है, नहीं, यानी नहीं होना पाया जा रहा है इसमें काम का ना होना। प्रश्नवाचक, प्रश्न यानी कि क्या राम ने रावण को मारा, तुम कहाँ रहते हो, लाइक दिस। और आज्ञावाचक, चुपचाप बैठे रहो, दरवाज़ा बंद करो, आज्ञा देना। संकेत करना, यदि बाढ़ आ गई तो पूरा गाँव बह जाएगा, ये मतलब एक संकेत है, यदि परीक्षण करोगे तो सफलता भी मिलेगी। विश्वादि बोधक में वहा आहा, इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करनी है और ये आपकी एक्सरसाइज है। जैसे कि वाक्य किसे कहते हैं, एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य छह प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित रचनात्मक आपको अभ्यास दिया है, तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे कि ये दिया वाक्य, मोहन का भाई रमेश आज नहीं आया, तो इसमें मोहन का भाई हो गया उद्देश्य, और विधेय आज नहीं आया, तो सब्जेक्ट आपका मोहन का भाई हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो
भगवान श्री कृष्ण हो गया सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, और ने अर्जुन को उपदेश दिया ये विधि। ठीक है, इस तरह से सब आपको कर लेंगे। अर्थ के आधार पर बताइए कि निम्न वाक्य किस प्रकार के हैं। जैसे ये वह कमाल हो गया, वह लग गया बच्चों, जैसे यहाँ बताया था वह कमाल हो गया, तो ये विश्वादि बोधक वाक्य है। तो विश्वादि बोधक वाक्य, मैं स्कूल जाता हूँ और मन लगा कर पढ़ता हूँ, ये दोनों, ये कौन सा वाक्य हो गया? मैं स्कूल जाता हूँ और मन लगा कर पढ़ता हूँ, है ना। तो ये काम का करना यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पे मन लगा कर पढ़ता हूँ, तो संकेत है जैसे कि यहाँ पे। चलिए ठीक है, चलो ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके बाबा।